गोरखपुर में विकास के बारे में क्या कहेंगे? गोरखपुर में विकास भी अच्छा है, अभी पहले से बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह धीरे धीरे और आगे होता रहेगा। रोड वगैरह जो है पहले बहुत पतला था, अभी आने पे जो है बहुत चौड़ा हो गया है, आने में भी दिक्कत नहीं। पहले ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था, ट्रैफिक भी कम हो रहा, अभी और सारे काम हो रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है अब गोरखपुर आ गया है पहले जैसा कि कुछ बदलाव हो गया है? गोरखपुर से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ और हमें चाहेंगे कि एक बार और योगी जी आएँ और यहाँ का परिवर्तन माहौल बना दे ताकि हम लोग भी सौभाग्यशाली समझे अपने आप को कि हम लोग गोरखपुर के निवासी हैं। नमस्कार, मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ नौका विहार में, गोरखपुर में। यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, तमाम लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में आए हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा जगह है। अभी उधर दिखाते हैं आप सबको, यहाँ पे नाव भी चलता है, काफ़ी एक नदी के तालाब है, तालाब में नाव चलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए थोड़ा आइए इधर, पहले दिखा देते हैं फिर बातचीत लोगों से करेंगे। आ जाइए इधर थोड़ा सा, यहाँ बोटिंग होता है, नाव का टिकट जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पैडल बोट 40 रुपया 20 मिनट प्रति व्यक्ति, मोटर बोट 60 रुपया 500 मीटर प्रति व्यक्ति, स्पीड मोटर 100 रुपया किलो प्रति किलोमीटर का है। इधर दिखा दीजिए एक बार, बोट है, इधर भी बोट है, दिखा दीजिए। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं, यहाँ पे इंजॉय भी कर रहे हैं और तमाम लोग हैं। मैं कुछ लोगों से रिएक्शन लेने का प्रयास करूँगा, बातचीत करने का प्रयास करूँगा आखिर यहाँ पे कैसा लग रहा है आए हुए लोग। चलिए, कहाँ से चल के आए हैं भैया? मैं सिवान से आया हूँ। सिवान से, कैसा लग रहा है नौका विहार में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, यस, बहुत सारे लोग यहाँ आकर इंजॉय कर रहे हैं। कितना बार आ चुके हैं अब तक? छठा बार विजिट है मेरा। छठवा बार है। जब भी गोरखपुर आते हैं यहाँ एक बार जरूर आते हैं। सुकून मिलता है कि नहीं? सुकून मिलता है। कहाँ चल के आए? सिकरीगंज। कैसा लग रहा है नौका विहार में आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गोरखपुर में इस बार परिवर्तन हुआ कि नहीं बता तो नहीं सकते, घर थे हम नहीं बता सकते। गोरखपुर में आपको क्या लग रहा है, परिवर्तन हुआ है कि नहीं? बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। चलिए आइसक्रीम उधर भैया लोग खा रहे हैं, थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि गोरखपुर में आकर आइसक्रीम का ही मजा ले रहे हैं क्या, कि गोरखपुर में कुछ परिवर्तन हुआ? क्या नाम है भैया, कहाँ रहने वाले हैं? बास गाँव के, दीपक सैनी। ये बताइए, आइसक्रीम बस खा रहे हैं कि कुछ इंजॉय भी कर रहे हैं? इंजॉय कर रहे हैं भैया, मौसम का आनंद लेने आए यहाँ पे। सुकून मिल रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। सुकून हो सकता है इस बार? बताइए गोरखपुर में परिवर्तन हुआ कि नहीं योगी जी के राज्य में? बहुत हुआ भैया, बहुत हुआ है। परिवर्तन ही परिवर्तन है, जिसको ना दिखाई दे उसके लिए क्या, जिसको दिखाई दे रहा है परिवर्तन ही परिवर्तन हुआ है सारे जगह। क्या लग रहा है अब गोरखपुर आ गया है पहले जैसा कि कुछ बदलाव हो गया है? गोरखपुर से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ और हमें चाहेंगे कि एक बार और योगी जी आएँ और यहाँ का परिवर्तन माहौल बना दे ताकि हम लोग भी सौभाग्यशाली समझे अपने आप को कि हम लोग गोरखपुर के निवासी हैं। क्या कहिए भैया, कुछ कहने का कुछ शब्द ही नहीं हमारे पास। योगी जी हर साल हमेशा 2024-25 फिर आना है उनको, 100% है 2024 में। पहले ज़्यादा परिवर्तन हुआ कि नहीं? परिवर्तन बहुत ज़्यादा, स्वर्ग है गोरखपुर का भी, आके देखिए स्वर्ग है गोरखपुर में। नौका विहार में आकर कैसा लग रहा है? अरे ये जन्नत की जगह है, जन्नत जन्नत। अभी हम बहुत कम है यहाँ पे, हम बहुत कम आते हैं, भाई सब यहीं पर रहते हैं, बट जो हम तो बहुत दिन के बाद आए, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा भैया। चलिए तमाम लोग हैं यहाँ पे, मैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूँगा। इधर बच्चे, इधर देखिए बच्चे खेल रहे हैं सब, कितना प्यार से एंजॉय कर रहे हैं सब, आनंद ले रहे हैं सब, काफ़ी अच्छा लग रहा है इन लोगों को भी। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं फैमिली के साथ घूमने के लिए आते हैं तमाम लोग यहाँ पे, और जो है कि खूब फुल इंजॉय करते हैं यहाँ पे लोग। और नौका विहार है यहाँ पे, कुछ लोग हैं, चलिए बातचीत करने का। भैया क्या नाम है, कहाँ रहने वाले हैं? आलमगीर लक्ष्मीपुर से। गोरखपुर में परिवर्तन हुआ कि नहीं? जी हुआ है, जरूर हुआ है, थोड़ा बहुत तो जरूर हुआ है। कैसा लग रहा है नौका विहार में आकर के? अच्छा लग रहा है। भैया कैसा लग रहा है नौका विहार में आकर के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। गोरखपुर में पहले ज़्यादा विकास, विकास को लेकर क्या कहेंगे? चलिए इधर है बुजुर्ग एक बाबा जी, इनसे थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। बाबा जी क्या हाल चाल है? ठीक है। गोरखपुर में परिवर्तन हुआ कि नहीं मुख्यमंत्री जी के? हाँ बोला हुआ। रुको एक मिनट। खरीदते हैं रुको। चलिए उभग रही है अब ये नहीं समझ में आता है क्या उन लोगों के पास जो है कि पढ़ पाते हैं लोग कि नहीं पढ़ पाते हैं, माता पिता कैसे हैं, उन लोगों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पर आ करके इस तरह के काम कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ लेडीज़ वेडीज़ भी आई हुई हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करने का मैं प्रयास करूँगा।
मैडम क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हैं? नहीं बोलना चाहेंगे। देखिए इधर कितना अच्छा से लिखा हुआ है आई लव गोरखपुर। इधर अपना फ्लैग है, देश का शान अपना लहर रहा है झंडा। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लुक जो है यहाँ का काफ़ी अति लुभावना है और सुंदर है। सेल्फी लेने के लिए जितने लोग भाई नौका विहार नहीं घूमे हैं, अपने फैमिली को लेकर के यहाँ पे आ सकते हैं। आप लोग घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा इन्जॉय मिलेगा आप सबको। और सेल्फी लेने के लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए इधर आ जाइए थोड़ा सा, इस तरफ आइए, थोड़ा दिखाते हैं अंदर। इधर देखिए तमाम लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं। ये रामगढ़ ताल है जिसको आज मॉडिफाई कर करके कितना अच्छा नौका विहार बना दिया गया है। और जो नौका विहार का जो लोकेशन है, पहले एक दौर था जब हम लोग देखा करते थे, इस रास्ते से गुजरते थे, इसमें जमकुल्ली के सिवा इसमें कुछ दिखाई नहीं देता था। ये जो पानी हरा कलर आज दिखाई दे रहा है, ये हरा कलर नहीं दिखाई देता था, बिल्कुल गंदा पानी था। लेकिन आज के तौर पे देख रहे हैं आप लोग कि जमकुल्ली नहीं है, बल्कि इसमें बोट चल रहे हैं, नाव चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा अति लुभावना सुंदर यहाँ का दृश्य बन चुका है। और एक गोरखपुर में जो है कि कुछ अलग ही यहाँ फील आता है, आने के बाद सुकून मिलता है। ये जो लहरें चल रही हैं पानी की, दिखा दीजिए एक बार, ये जो लहरें हैं पानी की, इसके पास जब आएंगे, समीप आएंगे आप जब इसके, तो कुछ अलग ही सुकून मिलेगा और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। तमाम लोग यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए आते हैं, काफ़ी लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं। देख सकते हैं आप लोग की बोट चल रहा है कितना अच्छा। और यहाँ पे जब आएंगे आप लोग तो बोट से आप लोग पूरे जल में घूम सकते हैं। पहले एक तौर था जब यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता था, तमाम लोग इस रास्ते से गुजरते थे, सिर्फ जमकुल्ली देखने को मिलता था। चलिए इधर आ जाइए थोड़ा सा, इधर आ जाइए थोड़ा सा। भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया। फैमिली के साथ घूमने के लिए नौका विहार आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अनेकों लोग होंगे गांव से, विलेज से, वो लोग, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? उन लोगों के लिए यही कहेंगे कि आए गोरखपुर में, यहाँ घूमें, देखें, बहुत अच्छी जगह है ये, यहाँ पे अच्छा लगेगा घूमने में। ये भैया एक समय था जब इस जो रामगढ़ ताल है इसमें सिर्फ जमकुल्ली के सिवा पानी नहीं दिखाई देता था, क्या कहिएगा इस मामले? एक समय था कि एकदम खराब था, यहाँ आदमी आने से डरता था। हाँ। अभी हम लोग रात में 2 बजे यहाँ आकर के एंजॉय करके जाते हैं, बस यही कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे गोरखपुर के बारे में? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया। सभी लोग आए, घूमें, देखें, एंजॉय करें, अच्छा है, फैमिली के साथ भी हैं। सवाल आपसे मेरा एक रहेगा, गोरखपुर में विकास के बारे में क्या कहेंगे? गोरखपुर में विकास भी अच्छा है, अभी पहले से बहुत बेहतर है, और इंशाल्लाह धीरे धीरे और आगे होता रहेगा। ये है गोरखपुर की जनता और गोरखपुर के जनता का राय। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों का कहना है कि दोबारा एक बार मुख्यमंत्री आएँ और इससे दुगना विकास करके दिखाएँ, ऐसा लोगों का कहना है। और चलिए यहाँ पे भाई हैं, इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भैया, कहाँ करने वाले? श्री राम, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर करने वाले जी। विकास को लेकर क्या कहेंगे गोरखपुर में? विकास तो बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम तो मतलब अभी इधर कई दिन से बराबर आ रहे हैं, उधर नहीं आते थे, लेकिन पहले से अब में बहुत चेंज दिख रहा है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी एक बार और आए, विकास चौगुना करें। जरूर जरूर, एक बार जरूर। हम तो चाहें, हमारा तो यही राय रहेगा कि गोरखपुर में तो रहें बाबा जी। आप अपने फैमिली के साथ आए हैं आज, एक समय था जब इसमें जमकुल्ली के सिवा पानी नहीं दिखाई देता था, और आज फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा? हम तो जितनी बार आए थे तो इतनी बार चेंज यहाँ दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि गोरखपुर का विकास हो रहा है। अभी रोड वगैरह जो है पहले बहुत पतला था, अभी आने पे जो है बहुत चौड़ा हो गया है, आने में भी दिक्कत नहीं, पहले ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था, ट्रैफिक भी कम हो रहा है, अभी और सारे काम हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। आपके नज़रिए से काम बहुत ज़्यादा है? हाँ, गोरखपुर में तो काम हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पे नौका विहार में आया, जहाँ यहाँ का लोकेशन है, जो भी दृश्य है, जो भी अति लुभावना सुंदर यहाँ का दृश्य है, बोट चल रहे हैं, पानी इसमें जो दिख रहा है आप सबको, यहाँ पे एक समय था जब जमकुल्ली दिखाई देता था। एक छोटा सा प्रयास है, मैं दिखाने का प्रयास किया। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़। जय हिंद।